नैब ऑफिस के बाहर एमएनएम मोटर स्कैंडल के मुतासरीन सरापा एहतजाज है। नैब ने रिकवरी कर ली, मुतासरीन को रकम अदा नहीं की मुजाहिरीन। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल नोटिस ले, आपको अपडेट करते चले। इस वक्त नैब ऑफिस के बाहर एमएनएम मोटर स्कैंडल के मुतासरीन सरापा एहतजाज हैं और नैब ने रिकवरी कर ली, मुतासरीन को रकम अदा नहीं की गई। मुजाहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है नैब ऑफिस के बाहर एमएनएम मोटर स्कैंडल के मुतासरीन इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, नैब ने रिकवरी की, मुतासरीन को रकम अदा नहीं की गई। मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है नैब ऑफिस के बाहर इस वक्त एहतजाज जारी है एमएनएम मोटर्स की जानिब से। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे राहिल सैयद से। राहिल बताइएगा, मुजाहिरीन की जानिब से क्या कहा जा रहा है? जी मुजाहिरीन जो है पूरे पाकिस्तान के मुख्य शहरों से आज वो इकट्ठे हुए नैब ऑफिस के बाहर, उनकी सरफ्तजाज का सिलसिला जारी है। उनका कहना यह है कि नैब ने जो है अहम जो मुजरिमान है उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया, उनसे रिकवरी भी कर ली है, लेकिन अभी तक जो है पैसों की अदायगी का सिलसिला शुरू नहीं किया जा सका। इस हवाले से जो है अहम जो मुजरिम था अहमद शाह, उसके खिलाफ नैब ने रेफरेंस भी दायर कर दिया है। अब जो है नैब के तहकीकती अफसरान के साथ उनके मुजाकरात जारी हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने क्लेम जो दाखिल करवाए थे तो वो ओरिजिनल हालत में नहीं थे। इसके अलावा जो जायका कहना यह है कि जो जितने भी मुतासरीन ने अपने क्लेम चेक जमा करवाए हैं उनकी तस्दीक हो चुकी है, उनके चेक बनने के लिए गए हैं, जैसे उनके चेक आएंगे उनमें तकसीम कर दिए जाएंगे। तहकीकत का सिलसिला जारी है, जो मुजरिम पकड़ा गया उसकी जो जायदाद है वो भी नैब ने जब्त कर ली, उनके बैंक अकाउंट को भी सील कर दिया गया। जैसे जैसे पैसों की रिकवरी होगी, रिकवरी तो कर ली लेकिन मुतासरीन को रकम अदा नहीं की गई। मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया राहिल सैयद।